जैसे कृष्णा दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जियो की सिम है आपके पास और उसमें आप 5G अनलिमिटेड का मजा लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। मेरा भी क्योंकि 5G मोबाइल है लेकिन रिचार्ज भी मैंने 239 रुपए का करवा लिया था, क्योंकि यदि उससे कम का करवाओगे आप तो 61 रुपए का आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा 5G चलाने के लिए, इसलिए मैं 239 रुपए का जो है उसमें रिचार्ज करा लिया। लेकिन 5G इनेबल नहीं हो रहा था भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप सिम निकालिए अपनी और सिम निकाल कर फिर से डालिए तो उससे हो सकता है आपका जो जियो बेल का ऑफर है वो आपका चालू हो जाए। या तो एक बार मोबाइल को रिबूट कर लीजिए, मतलब स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए, तब हो सकता है आपके पास बेल का ऑफर देखने को मिल जाए। तीसरा तरीका आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और इन सब चीजों को करने से पहले आप एक तरीका जरूर आजमाइए जो मैंने आजमाया, क्योंकि मेरे मोबाइल में 5G है, 5G सॉफ्टवेयर भी है, सब कुछ है, 5G सेटिंग मैंने प्रेफर 5G नेटवर्क पर भी सिलेक्ट कर रखा था लेकिन फिर भी मेरा जो 5G है वो चालू नहीं हो रहा था। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अभी मैं आपको इसके डिस्प्ले में भी दिखाऊंगा करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करके आपको दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मेरा 5G चालू हो गया था। तो उसमें आपको क्या करना है, आपके पास 5G ऑफर आया है कि नहीं आया है, आप दोनों तरीकों में इस तरीके का यूज कर सकते हो। आपको नेटवर्क पे जाके जहाँ प्रेफर्ड नेटवर्क लिखा रहता है तो वहाँ एक LTE आपका सेट रहता है और आपने हो सकता है 5G उसको सेट कर लिया हो। एक बार क्या करना है, आपको उसको फिर से LTE पर करके फिर से 5G पर कर देना है। अब मैं चलिए आपको यही प्रोसेस करके दिखाता हूँ, इस तरीके से संभव होता है चांस है कि आपका जो 5G है वो चालू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले जियो वेलकम ऑफर में आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यदि ये आपके पास नहीं आता इस तरीके का लिखा तो आपको चिंतित नहीं होना है, मैं आपको आगे वही बताऊंगा कि प्रेफर आप LTE पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा आता है तो आपको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके आपको एक बार देख लेना है कि आपका मोबाइल जो है वो अप टू डेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप टू डेट है सिस्टम लेकिन फिर भी मेरा चालू नहीं हो रहा था 5G, पता नहीं क्यों। देखिए फिर से मैंने यहाँ पर किया, जियो बेल का ऑफर है, 5G हैंडसेट है, ठीक है, ये कि 5G सेटिंग करना था। तो यहाँ पर गो टू सेटिंग में अब हम जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर 4G नेटवर्क ही बता रहा है अभी भी, और जबकि मेरा जो नेटवर्क था वो प्रेफर LTE में सेट है। यहाँ पर देखिए सिम पर जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पर प्रेफर नेटवर्क टाइप पर जाना है। ये देखिए प्रेफर 5G है सिलेक्टेड, लेकिन अभी भी देख लीजिए आप कि मेरा जो 4G ही नेटवर्क यहाँ पर बता रहा है, 5G नहीं बता रहा है। तो ऐसे में मैं फिर से क्या किया था, मैं फिर से उसी पे गया, फिर से गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया था। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेम टू सेम प्रोसेस हो रही थी लेकिन मेरा वेलकम ऑफर मिलने के बाद भी जो है वो 5G पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं अगेन सेटिंग में गया, यहाँ पर देख सकते हो हैंडसेट 5G सेटिंग्स लिखा तो आ रहा है, वही उसी में बस दिक्कत आ रही है। तो ऊपर जब 5G नेटवर्क दिखने लगेंगे ना तो ये उसको कह रहा है कि ऐसी सेटिंग करना है कि ऊपर 5G नेटवर्क दिखने लगे। तो यहाँ पर अब फिर क्या किया मैंने कि यहाँ पर हम जब सेटिंग में फिर से जाएंगे तो हम प्रेफर नेटवर्क में LTE करके फिर 5G को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड के बाद फिर सिम कार्ड सेटिंग्स में, यहाँ पर देखिए प्रेफर नेटवर्क टाइप में, यहाँ पर मैंने LTE सेट किया तो ये 4G पर आ गया, फिर मैंने 5G पर सेट किया तो यहाँ पर अब जो है वो 5G नेटवर्क यहाँ पर देखिए शो होने लगेंगे। तो भाई मुझ पे भी ये नहीं बन रहा था, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो इस तरीके का मैंने आजमाया तो यहाँ पर जो है फिर 5G नेटवर्क शो होने लगे। देख लीजिए यदि आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज नहीं आया है तब भी ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब 5G नेटवर्क चालू हो जाता है ना, जब हम जियो वेलकम ऑफर पे भी क्लिक करते हैं तो ये जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई हैव अपडेटेड पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल अपडेट है। तो देखिए ये 5G रेडी हो चुका है, ऊपर 5G के नेटवर्क शो करने लगे हैं और हम 5G का यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड 5G का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये एक तरीका है दोस्तों, मेरा भी क्योंकि चालू नहीं हो रहा था, 239 का रिचार्ज कर लिया, सब कर लिया उसके बाद भी लेकिन चालू नहीं हो रहा था। फिर मुझे मतलब ये क्यों नहीं पता नहीं दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे जब ये पता चला कि इस तरीके से मुझे करके देखना चाहिए एक बार, मैंने देखा तो हिट एंड ट्रायल के रूप में वो चालू हो गया। तो फाइनली अब हमारे पास 5G टू 5G है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी है। पहले मेरे पास 5G का वेलकम ऑफर आया था लेकिन बाद में नहीं पता नहीं कहाँ चला गया था वो, फिर जब दोबारा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कस्टमर से बात करूँ केयर से, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही, मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी लेकिन सब उल्टी सीधी वीडियो ही थी, किसी काम की वीडियो नहीं थी, मोबाइल सिम निकाला, ये किया वो किया,
सब किया था। मैंने आपको इस शुरू में कहा था सिम निकालने के लिए, उसके लिए क्या हो सकता है कि उसी के कारण आ गया हो 2-5G ऑफ़र, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन यदि आपके पास नहीं भी आया तो पहले आप इस तरीके को ट्राई करके एक बार देखो दोस्तों। यदि इसके बाद भी नहीं चलता तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि हमारे एरिया में 5G है लेकिन मेरे मोबाइल में 5G चल नहीं रहा है, या कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑफर नहीं मिल रहा है, या मिला था मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।